हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बॉलीवुड टपाटप में। साउथ फिल्मों और उनके स्टार्स ने बॉलीवुड को रौंद कर रख दिया है। जब से साउथ वालों ने अपनी फिल्मों को हिंदी में रिलीज करना शुरू किया है, तब से लोगों ने बॉलीवुड की फिल्में देखना ही बंद कर दिया है। साउथ की फिल्में अब सिर्फ पूरे भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपना तहलका मचा रही है। इस बीच बॉलीवुड के डायरेक्टर अपने यहाँ छोड़कर साउथ के एक्ट्रेस के आगे पीछे घूमने लगे हैं। उन्हें पता है कि साउथ स्टार्स वाली फिल्में ताबड़तोड़ कमाई कर रही हैं, इसलिए वहाँ के बड़े बड़े एक्टर्स को अब यहाँ के डायरेक्टर्स अप्रोच कर रहे हैं। लेकिन इस बीच साउथ सुपरस्टार महेश बाबू ने एक झटके में बॉलीवुड की हेकड़ी निकाल कर रख दी है। दरअसल पुष्पा के हिट होने के बाद अल्लू अर्जुन को संजय लीला भंसाली अपनी फिल्म में शाइन करने के पीछे पड़े हैं। वहीं दूसरी तरफ विजय देवगौड़ा ने धर्मा प्रोडक्शन के साथ हाथ मिला लिया है और अब वह अपनी फिल्म लाइगर में नजर आएंगे। इन सबके बीच सुपरस्टार महेश बाबू से जब पूछा गया क्या वह हिंदी फिल्मों में काम करेंगे, तो इस पर महेश बाबू ने मुंह तोड़ जवाब दे दिया। एक सवाल के जवाब में महेश बाबू ने हिंदी फिल्मों में काम करने से साफ इनकार कर दिया। महेश बाबू का कहना है कि आज की तारीख में उन्हें हिंदी फिल्म करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि तेलुगु फिल्में अब पूरे देश में देखी जा रही हैं। इसके आगे उन्होंने यह बताया कि वह तेलुगु फिल्में करने के लिए कमिटेड हैं। अगर महेश बाबू की जगह बॉलीवुड का कोई स्टार होता तो वह पैसों के लिए साउथ क्या भोजपुरी फिल्म में भी काम कर लेता। यही अंतर है साउथ और बॉलीवुड स्टार्स में। वैसे आपकी महेश बाबू के इस फैसले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।